बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाले हैं और आपको ये डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाने। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जितना आपको बेहतर बता पाऊं। और मैं वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको पहले तो जो है वो करेक्टर सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना है, ठीक है। और करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो कौन सा होना चाहिए, तो जहां पर आपने अंतिम क्लास पास किया है, जैसे मान लीजिए किसी ने बीएससी कंप्लीट किया है तो उस कॉलेज का आपको वहां जाके बनवा लेना है, एक दो दिन लगते हैं बन जाएंगे आपका। तो या फिर किसी ने एमएससी किया है या फिर किसी ने इंटर किया है, जहां भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन रही हो और जो आपने आप डॉक्यूमेंट्स लगाने वाले हो, कम से कम हाई स्कूल तो आप लगाओगे ही लगाओगे। अगर आपने इंटर पास कर रहे हैं, ग्रेजुएशन पास कर रखा है, तो भी आप वहां से करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, जो भी आपका अंतिम कॉलेज या स्कूल रहा हो। हाँ, आप ज्यादा से ज्यादा अपनी डिग्री वगैरह लगाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इन फ्यूचर कोई डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकलती है या प्रमोशन होता है तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। अब कुछ का क्वेश्चन ये होगा कि सर मेरे डॉक्यूमेंट्स अभी कंप्लीट नहीं हो पाए, मैं हाई स्कूल की लगा सकता हूँ, क्या वैलिड होगा नहीं होगा? तो हाँ, बिल्कुल वैलिड होगा। अगर आपके मान लीजिए आपने इंटर भरा है, फॉर्म भरते समय कोई रीजन अगर हो गया कि आपको वहां से मार्कशीट नहीं मिल पाई, खो गई या कुछ हो गई, तो आप कम से कम हाई स्कूल सर्टिफिकेट तो जरूर लेके जाइए। इन फ्यूचर आप जब सर्विस ज्वाइन कर लेते हो, उसके 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाए या फिर आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं तो वो आप पास हो जाए, तो बाद में उसको अटैच करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रमोशन वगैरह में आपको काफी ईजी हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि सर मेरा नाम, जैसे मान लीजिए किसी का नाम, मान लीजिए मेरा ही नाम जैसे अंकित है, तो अंकित सक्सेना है मेरा नाम, ठीक है। और अगर हाई स्कूल में तो ये लिखा है और इंटर में जो है वो ऐसे करके लिखा हुआ है EN, केवल इसका A गायब है, या मेरे पिताजी का नाम है उसमें स्पेलिंग में कुछ एरर है, या फिर मेरा आधार कार्ड में कुछ और है या पैन कार्ड में कुछ और है, तब क्या करें? क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जो कमेटी बैठती है डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए वो बेहतर तरीके से देखती है और वो इस चीज को अच्छे से पकड़ लेती है कि भाई क्या लग रहा है तुम्हारा इंटर का जो है वो डुप्लीकेट है या फिर तुमने नाम में खिलवाड़ कराया। तो आप इसके बचने के लिए क्या कर सकते हो, आप पहले तो अपने अच्छे से डॉक्यूमेंट सारे देख लो और 2-3 उसकी कॉपी करा के रख लीजिए, फोटो स्टेट क्योंकि वो जमा हो जाती है वहां पर। तो आप क्या करना है कि एक एफिडेविट बनवा लीजिए वकील से कि सर वो एफिडेविट आपका बना देगा और उसमें लिख देगा कि सर इनके कागज सही है और बिल्कुल उसको प्रमाणित कर देगा। तो अगर मान लीजिए आप DB कराने जाते हैं और वहां पर जो कमेटी बैठती है, पैनल बैठता है, वो देखता है कि अरे भाई यहाँ पे तुम्हारा एक आया है, तो आप तुरंत वो एफिडेविट आप उनको दिखा दो, कहना सर ये मेरी गलती हो गई थी और मैं इसलिए मैंने ये एफिडेविट बनवा लिया, और वो एफिडेविट आपका मान्य होता है, 100-125 रुपए में आजकल बन जाता है। तो अच्छे से वो एफिडेविट बनवा लीजिएगा, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तीसरा जो है वो जो भी आपने सर्टिफिकेट लगाया है जिससे आपने रिजर्वेशन कोटा पाया है, जैसे OBC वाले हो गए, SC वाले हो गए, ST वाले हो गए, EWS वाले हो गए, तो जो नए फॉर्मेट में आपको दे रखा है तो उससे आपको ले जाना है, 2019 में जो आपने अप्लाई करा था उसको भी लेके साथ में जाइएगा। तो ये जरूरी है डॉक्यूमेंट्स, नहीं तो आपको जनरल काउंट कर दिया जाएगा, जिससे अगर आप यहाँ से डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा बेहतर तरीके से ले जाइएगा, जो भी उन्होंने रिक्वायर की है, जो भी मांग करी है, वो जरूर उसे लेके जाइएगा। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 1 दिन में ही कंप्लीट करा लिया जाता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुश्किल से 2-3 घंटे लगते हैं, वहां पर आपको कुछ फॉर्म दिया जाता है भरने के लिए, आपका थंब जो है वो वेरीफाई किया जाता है, लगभग 90% से ऊपर अगर आपका थंब मैच कर जाता है तो कोई भी इशू नहीं होता। किसी किसी बच्चे का थंब मैच नहीं कर पाता है तो उसको रोक कर रखा जाता है और आगे उसे और मौके दिए जाते हैं, चेक किया जाता है अच्छे से, तो 100-200 बच्चों में ऐसा कभी कभी हो जाता है कि थंब में प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन अगर आप जेन्युइन हो तो आगे जाके वो उसको फाइनल कर लेते हैं। तो अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और सब सही हैं तो 2-3 घंटे में आपके डॉक्यूमेंट्स में कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक डेट दे दी जाएगी मेडिकल के लिए। मेडिकल आपका 2-3 दिन बाद स्टार्ट हो जाता है। मेडिकल पर कोई अगर आपको डिटेल चाहिए कि पूरा मेडिकल में होता क्या है, क्या प्रोसेस होता है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा तो मैं एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा मेडिकल को लेकर, लेकिन उसके ऊपर आपको 100 लाइक्स तो कम से कम वीडियो पे करने ही पड़ेगा, तब मैं आप इसका पूरा मेडिकल पे बताने वाला हूँ कि क्या मेडिकल का प्रोसेस रहता है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और अपडेट्स के साथ, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट या फिर मुझे फोन